सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ़ यू उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप आ, सब दोस्तों को आ रही होगी और स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का वेस्ट ईस्ट टी -स -स में आज 13 जून 2021 को सबसे पहले मैं आप सब नए लोगों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ वेस्ट ईस्ट परिवार के अंदर कि आपने अपनी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का और आपकी सोच को सलाम करता हूं कि आपने आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी और सत्रह साल पुरा रहे ऑर्गेनाइजेशन सबसे ट्रस्टवर्थी कंपनी जो पूरे हिंदुस्तान में आज धमाके पे धमाके किए जा रही हैं पूरी दुनिया में आज जिसका नाम गूंज रहा है वेस्टिज को ज्वाइन किया आप सबको मेरी तरफ से मेरी सारी कोर टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों ये बीआईपी प्रोग्राम हम लोगों ने आज से करीब करीब एक हफ्ता पहले चालू किया और इस बीआईपी प्रोग्राम के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों का जो फीडबैक मुझे मिल रहा है और जो इसके फायदे हमको एक हफ्ते में ही नज़र आने लग गए हैं वो बहुत कमाल के हैं मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम ये ट्रेनिंग मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ज़िंदगी को और बेहतर करने के लिए किया गया है हमारे पास जो भी नेटवर्क मार्केटिंग का पिछले आ, कुछ सालों का तजुर्बा है जो भी एक्सपीरियंस है वो हम उस नए व्यक्ति को देना चाहते हैं जो बहुत उम्मीद लेकर बहुत सपने लेकर वेस्टेज को ज्वाइन करता है हम हर नए व्यक्ति को वो सब अपना तजुर्बा देना चाहते हैं ताकि वो गलती से भी गलती ना करे इनिशियल डेज में अगर उसको परफेक्ट नॉलेज मिल जाए इनिशियल डेज में अगर उसके पास परफेक्ट जानकारी हो कि इस बिज़नेस को कैसे करना चाहिए तो मुझे लगता है कि उसकी ग्रोथ और उसकी सफल होने की प्रोबेबिलिटीज संभावनाएं बहुत हद तक बहुत बढ़ सकती हैं इसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस मॉड्यूल को स्टार्ट किया और आज करीब करीब ये सातवां आठवां सेशन है हज़ारों लोग इस सेशन को अटेंड कर चुके हैं पिछले सात आठ दिन के अंदर और जितने भी लीडर्स इस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको उनकी मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है कि जिस ईमानदारी के साथ जिस मेहनत के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो इस इन सेशंस को शेयर कर रहे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं वो काबिल तारीफ है तो आज के इस सेशन में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लेकर आए एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आए और आपका जिंदगी यहाँ से पूरी तरह से पलट जाए आज से करीब करीब बीस बरस पहले मैं इस शानदार उद्योग शानदार इंडस्ट्री का हिस्सा बना इस बीस साल में जिंदगी में बहुत कुछ चेंज हुआ बहुत कुछ सीखने को मिला आज वही मौका आपके पास है तो ध्यान से अगले एक घंटा मुझको ध्यान से सुनिएगा मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस को अगले एक घंटे में आपको देने का प्रयास करूंगा अगर आपके पास डायरी है अगर आपके पास पेन है तो नोट्स जरूर बनाइए और दिल और दिमाग दोनों से यहाँ मौजूद रहिए अपने सारे डिस्ट्रेक्शन को बंद कर दीजिए टी वी बंद कर दीजिए और इंस्ट्रूमेंट्स बंद कर दीजिए बिल्कुल ध्यान से एक घंटा बैठ के मुझे सुनिएगा हो सकता है ये एक घंटा बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला टाइम साबित हो दो साल तीन साल पाँच साल के बाद जब आप कामयाब हो जाएं तो आज के दिन को आप याद करें कि तेरह जून दो को हमने एक घंटे का एक सेशन अटेंड किया था जिसने ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी तो मैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सो दैट मैं आपको अपने पीपीटी पे ले जा सकूँ और आज की वी को शुरू कर सकूँ तो साथ रहिए मेरे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तेरह जून 2021 की बी बिगिनर्स इंडक्शन प्रोग्राम सो तो आज के बी में आपका स्वागत क्या होता है इंडक्शन प्रोग्राम इंडक्शन प्रोग्राम बेसिकली एक मॉड्यूल है जहां पर नए लोगों को सिखाया जाता है कि वो जिस बिजनेस में आए हैं वो सीख लें इस बिजनेस को करना कैसे है एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए पाँच से छह दस साल लग जाते हैं और फिर भी अगर आप उनसे बात करेंगे तो बोलते हैं, हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक सीए को सीए करने के लिए चार से पाँच साल लग जाते हैं अगर आप उनसे बात करेंगे तो बोलते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक लॉयर को एल करने के लिए चार से पांच साल लग जाते हैं अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यानी पाँच साल छह साल के बाद भी वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं यानी कंप्लीट जानकारी कभी भी नहीं मिल पाती किसी भी प्रोफेशन की आपको हर पल हर घड़ी सालों साल सीखते रहना पड़ता है तो आज के बीआईपी के अंदर मैं प्रयास करूंगा आपको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके कि कैसे ये इंडस्ट्री ये उद्योग आज लाखों और करोड़ों लोगों की पहली पसंद बन चुका है इस कोविड नाइन्टीन के अंदर जहां पूरा हिंदुस्तान एक तरीके से एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है कैसे ये इंडस्ट्री आपको संबल प्रदान करता है कैसे एक इंडस्ट्री आपको सपोर्ट प्रदान करता है कि आप घर पे बैठ के बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं और एक आमदनी का जरिया बना सकते हैं स्वागत है आपका डू यू फील रेस्टलेस इन कोविड नाइन्टीन क्या आपको बेचैनी होती है इस कोविड नाइन्टीन के दौर में जहां नौकरियां जा चुकी हैं जहां चलते चलते बिजनेसिस बंद हो चुके हैं और कभी खुलेंगे कि नहीं इसका भी कोई अंदाज नहीं है क्या आपको अपने भविष्य की चिंता होती है क्या आपको लगता है कि बच्चों का फ्यूचर कैसे होगा क्या आपको आपके भविष्य की चिंता होती है क्या आपको लगता है कि आगे क्या होगा अनसर्टेनटी uh, लगती है और लगता है पता नहीं जिंदगी में आगे होगा क्या होगा पैसे कैसे कमाएंगे खर्चे कैसे चलेंगे क्या आपको ये सब प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में आपके जहन में आती हैं मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सब लोगों का जो जवाब है वो करीब करीब हाँ ही होगा जी हाँ इस कोविड नाइन्टीन की महामारी के अंदर जहाँ भारत में हर आदमी आज इससे जूझ रहा है बहुत खतरनाक तरीके के साथ सबके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि यस भविष्य में क्या होगा तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि कहते हैं खुदा अगर एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा अपने आप खुल जाता है बस हम बंद दरवाजे की तरफ ध्यान देते हैं और खुले हुए दरवाजे की तरफ देख नहीं पाते तो आज जो दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है मैं उस दरवाजे में आपको शनय शनय धीरे धीरे ले जाने का प्रयास करूंगा डू यू फील अनसेटिस्फाइड क्या आप अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील करते हैं क्या आपको लगता है कि जिंदगी में बहुत कुछ किया जाना था अभी कुछ नहीं कर सके क्या आपको लगता है कि बहुत सारी जिंदगी जा चुकी है अब पता नहीं क्या होगा क्या आपको लगता है कि आपने जो भी किया उससे बेहतर कर सकते थे ये सवाल बड़े मार्मिक हैं ये सवाल बड़े ख़तरनाक हैं क्या आपको लगता है कि आपके जाने के बाद आपके घर में आमदनी का कोई ज़रिया है खुदा ना खास्ता आप नहीं रहे क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन इस कोविड नाइन्टीन में हमने बहुत बहुत चीज़ें उजड़ते हुए देखी क्या आपको लगता है कि आपके जाने के बाद आपके घर में आर्थिक दिक्कत कभी नहीं आएगी मुझे पता है कि ये सवाल बहुत खतरनाक हैं बड़े चुपते हुए से प्रश्न हैं लेकिन कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लेने चाहिए क्या आपको अनसेटिस्फेक्शन फील होती है अगर हाँ तो मैं आपको आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ मैं आज आपको एक बहुत बड़ा मौका दे रहा हूँ और कहते हैं कि ईश्वर की कि किसी भी ऑपरचुनिटी को हमको हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए मैं वो दिन आज भी याद करता हूँ बीस बरस पहले पाँच फरवरी दो को जब मैं इंडस्ट्री के अंदर आया आज से बीस साल पुराने ये वाक्य है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूँ और उस एक डिसीजन ने पूरी लाइफ को बदल के रख दिया वही डिसीज़न आप ले चुके हैं और मैं विश्वास दिला सकता हूं कि आपका ये डिसीज़न आपकी पूरी की पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा बरशरते आप अगला एक घंटा मुझे बहुत ध्यान से सुने दोस्तों वी चेंज एवरीथिंग अराउंड अस इन द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स आप जानते हैं कि हमने अपने आस पास में आजू बाजू में पिछले बीस साल में करीब करीब सब कुछ बदल दिया है अगर आप मेरे से इतफाक रखें तो आप मां जानेंगे कि हमने अपने घर में चलने वाले टेलीविजन का रूप रंग स्वरूप सब बदल दिया किस तरह के टीवी चलते थे 20 साल पहले और आज कैसे चलते हैं बदल चुका है रेफ्रिजरेटर बदल चुके हैं पहले कैसे रेफ्रिजरेटर चलते थे और आज आपके घर में किस तरह का रेफ्रिजरेटर है बदल चुका है मोबाइल फोन आज से 20 साल पहले कैसे थे और आज कैसे हैं बदल चुका है टच स्क्रीन आ गया है पैड खत्म हो गए हैं मोबाइल फ़ोन चलता फिरता ऑफिस है आज के डेट में आपके व्हीकल्स बदल चुके हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन बदल चुका है आपका कम्युनिकेशन के सिस्टम बदल चुके हैं आपके हेयर स्टाइल बदल चुके हैं फैशन बदल चुका है पिछले 20 साल के अंदर आपकी पहनने वाली घड़ी बदल चुकी है आपके लैपटॉप बदल चुके हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द जो भी ताना बाना है आप अगर ध्यान से गौर से आंख बंद करके दो मिनट सोचेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सब कुछ बदल चुका है आपके कपड़े पहनने के तरीके से लेकर हेयर स्टाइल से लेकर दाढ़ी रखने के स्टाइल से लेकर आपके चलने फिरने के स्टाइल से लेकर आपके मोबाइल आपके लैपटॉप आपके वॉचेज आपका सब कुछ पिछले बीस साल में बदल चुका है और जहां तक मैं जानता हूं कि दुनिया पिछले बीस बरस में जितनी बदली उतनी तो पिछले सौ साल के अंदर भी नहीं बदली है यानी सब कुछ बदल गया बीस साल के दौरान हमारे इर्द गिर्द आजू बाजू और दोस्तों अब समय आ गया है अपनी कमाई का तरीका बदलने का लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी नब्बे प्रतिशत लोगों की कमाई का तरीका वही है सब कुछ तो बदल गया लेकिन कमाई के तरीके बहुत सारे लोगों ने अब तक नहीं बदले हैं वही तरीके चल रहे हैं घिसे और पिटे हुए बुरा मत मानिएगा आज भी बहुत सारे लोग वही पुराने ट्रेडिशनल तरीके के साथ पैसा कमाने बाजार में उतरते हैं दोस्तों जब सब कुछ बदल गया है तो आपको क्या लगता है पैसे कमाने का तरीका नहीं बदलेगा बदल चुका है बहुत सारे लोगों ने इस एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है जिसको ऑनलाइन टेक्नोलॉजी बोलते हैं आज कहते हैं कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो आपका बिजनेस ही नहीं है अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो आप ऑफलाइन भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते दुनिया बदल गई काम करने के तरीके बदल गए पैसा कमाने का स्वरूप बदल चुका है अगर आप अपने आप को नहीं बदले तो हमारी और आपकी कहानी उस डायनासोर की तरह हो जाएगी जिन्होंने इन्वायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला प्रजातियाँ लुप्त हो गई जिन लोगों ने अपने आप को बदल लिया जिन जानवरों ने अपने आप को एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से अडॉप्ट किया चेंज किया आज हम उनकी प्रजातियाँ देख पा रहे हैं और जो प्रजातियाँ अपने आप को चेंज नहीं कर सकी लुप्त हो गई बात बहुत कड़वी है लेकिन सच है अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे अपने कमाई के तरीके जरिए नहीं बदलेंगे मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ स्थितियाँ और ख़राब हो सकती हैं लेकिन आज समय आ गया है अपनी कमाई का तरीका बदलने का इट्स टाइम फॉर चेंज हम बदल सकते हैं अपने कमाई के तरीके लेके चलता हूं आपको और आगे क्या आपको लगता है कोई रास्ता है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना देगा कोई तो रास्ता होगा कुछ आशा की किरण कुछ रे ऑफ होप कुछ तो ऐसा होगा जो हमारी जिंदगी में चार चांद लगा दे कुछ तो ऐसा होगा मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ और आपको बधाई दे सकता हूँ कि जी हाँ आपके सामने आज मैं वो रास्ता पेश करने जा रहा हूँ आपके सामने उस रास्ते पे मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ जिसने पिछले कोविड नाइन्टीन में ख़ासतौर पर पिछले दो साल के अंदर लोगों को एक उम्मीद की किरण दी है जी हाँ जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें आप एसोसिएट हुआ है आपने जिंदगी का सबसे खतरनाक और सबसे बढ़िया और सबसे शानदार निर्णय लिया डायरेक्ट सेल्स को ज्वाइन करके और सोने पे सुहागा ये कि आप वेस्टिज का हिस्सा बन चुके हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में एक आशा की किरण है इस दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आपसे आपकी एज नहीं पूछता देखिए मजे की बात कि अठारह साल के व्यक्ति के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है और पचास साल के व्यक्ति के लिए भी अपॉर्चुनिटी है ये कितनी बड़ी बात है अगर आपको समझ में आए लड़का भी कर सकता है लड़की भी आप बीस साल के हैं तो भी कर सकते हैं आप पचास साल के हैं तो भी कर सकते हैं आप पढ़े लिखे ज्यादा हैं तो भी कर सकते हैं आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप कर सकते हैं आप देखिए हर रंग का व्यक्ति कर सकता है आपको अंग्रेजी बोलने नहीं आती तो भी आप कर सकते हैं आप किस शहर से बिलोंग करते हैं ये मैटर भी नहीं करता आपकी कास्ट क्या है ये मैटर नहीं करता आपने अब तक अपनी जिंदगी में नुकसान किया कि फायदा किया ये मैटर नहीं करता ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आपकी कास्ट नहीं पूछता आपकी एज नहीं पूछता आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछता ये नहीं पूछता आपके पास धन लगाने के लिए है कि नहीं ये नहीं पूछता कि आप जिंदगी में आज तक फेल हुए या पास हुए ये कुछ भी नहीं पूछता मुझे इस बिजनेस पे इसीलिए इतना फक्र होता है कि यह बाहें फैला के सिर्फ एक चीज पूछता है क्या आपके पास कुछ सपने हैं क्या आपके पास कुछ अधूरे सपने हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं बस एक चीज पूछता है अगर आप बोलते हैं हाँ तो ये बोलते हैं मोस्ट वेलकम इस परिवार में इस चमकती हुई दुनिया में आपका स्वागत है किसी भी एज का व्यक्ति कर सकता है ये बहुत हैरानी की बात है अगर आपको डॉक्टर बनना है इस दुनिया में तो एक निश्चित एज पे आप बन सकते हैं आप सत्तर साल की उम्र में डॉक्टर नहीं बन सकते अगर आपका सपना सत्तर साल में जाग लिया कि मुझे अब एम करना है तो मुझे लगता नहीं कि वो आसान होगा आपको आर्मी ज्वाइन करनी है तो आपको एक स्पेसिफिक एज में करनी चाहिए अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं तो स्पेसिफिक एज में अगर आप जहाज उड़ाना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक एज है करीब करीब इस दुनिया के 99 नाइन प्रोफेशन नाइन्टी प्रोफेशन ऐसे हैं जिसको क्वालिफाई करने के लिए जिसमें करियर बनाने के लिए एक स्पेसिफिक एज की जरूरत होती है लेकिन ये एक मात्र ऐसा बिजनेस है जो ना एज पूछता है कुछ नहीं पूछता पंद्रह साल का व्यक्ति कर सकता है पचपन साल का आदमी कर सकता है पचहत्तर साल का आदमी भी कर सकता है एक ही चीज़ पूछता है सपने हैं पूरा करना चाहते हैं अगर आप बोलते हैं हाँ मोस्ट वेलकम नेटवर्क मार्केटिंग एक आशा की किरण है नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा उद्योग है आज मैं ब्रीफ जानकारी आपको इस बिजनेस के माध्यम से दूंगा लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग नाकामयाब हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी धारणाएं बाजार में घूमती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सौ मुंह हैं तो सौ बातें हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं एक ही बात जानता हूं और आपको समझाना चाहता हूं जितने भी लोग नए में आए हैं नई नेटवर्क मार्केटिंग में आए बहुत सारे लोग हो सकता है अब से एक घंटा पहले इस इंडस्ट्री में आए हो बहुत सारे लोग हो सकता है आज से मतलब पंद्रह मिनट पहले ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो मेरा बीस साल का तजुर्बा है वो एक लाइन में समझा देता हूं कि लोगों को इस हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन है नॉलेज नहीं है मैं रिपीट करता हूं कि हिंदुस्तान में लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन है नॉलेज नहीं है और इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से आता है जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान उस यूनिवर्सिटी से आता है एक ही झूठ दस बार बोला जाता है तो वो सच हो जाता है आज के देश में सोशल मीडिया का जमाना है आपके पास सोर्स कहाँ से आ रहा है वो मैटर नहीं करता अगर वही इंफॉर्मेशन चार बार आ गई तो आप उसको सच मानने लगते हैं साथियों नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा कैच है वो इस लाइन में क्लियर हो जाएगा आपको अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आप आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा बस यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्परेरी लॉस ऑफ सोशल एस्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल लाइन को आत्मसात कर लीजिए कि आपको कुछ इग्नोरेंट लोगों की बातों से होने वाले आपके दुख को रिजेक्ट करना पड़ेगा ज्यादा सोचना नहीं है उसके बारे में ज्यादा खोपड़ी नहीं लगानी उसके बारे में ज्यादा दिल पे नहीं लेना क्योंकि कुछ इग्नोरेंट लोग जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए कुछ चार बातें बोलेंगे यहीं पर सबसे बड़ा कैच है कि बहुत सारे लोग बहुत सपने होने के बावजूद इस बिजनेस को इस इंडस्ट्री को क्यूट करके चले जाते हैं क्योंकि वो सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करते हैं उन लोगों की बातों पे भरोसा करते हैं जो जिंदगी में फेल हो चुके हैं मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं इस बीस साल में बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं बड़े सारे लोगों से मैं बात करता हूँ हजारों लाखों लोगों से मिला हूँ मुझे लोग कहते हैं कि सर बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं तो हम इस बिजनेस को क्यों करें सौ में से नब्बे लोग फेल हो जाते हैं हम इस बिजनेस को क्यों करें देखो फला आदमी फेल हो गया देखो मामा जी का लड़का भी फेल हो गया था देखो चाचा जी के लड़के ने 2015 में एक कंपनी ज्वाइन करी थी वो भाग गई देखो 2019 में कोई आया था वो चला गया 2007 में हुआ था ऐसा 2006 में ऐसा हुआ था तमाम ऐसे उदाहरण आपको बहुत सारे लोगों के मुंह से मिल जाएंगे जो फेलियर के उदाहरण होंगे और आप उन उदाहरण को अपने कानों से सुनेंगे अगर आपको दस लोग फेलियर का उदाहरण दें कि मैं फेल हो गया वो फेल हो गया पूना में कोई फेल हो गया कोई गुवाहाटी में फेल हो गया था मैं उसको भी जानता हूँ वो भी फेल हो गया मैं उसको जानता हूँ वो भी फेल हो गया मैं उसको भी जानता हूँ वो भी फेल हो गया वो भी नहीं कमा पाया अगर आप ये सब उदाहरण अपने कानों से सुनेंगे तो आप क्या लगेगा आपको लगेगा यार यहां तो सफल होने के चांसेस बड़े कम है तो छोड़ो रहने देते हैं स्किप करो यार दुनिया में कुछ और काम करते हैं मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। आप ध्यान से मेरा सवाल सुनिएगा और जवाब दीजिएगा किसी स्कूल में पढ़ता है आपका बच्चा अगर किसी स्कूल में पढ़ता है पढ़ते होंगे बहुत सारे लोगों के बच्चे आप भी पढ़े होंगे कभी ना कभी तो आप अपने बच्चों को या अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके माँ बाप आपको आपके स्कूल में जो लड़का फर्स्ट आता है उसका उदाहरण देते हैं या जो बच्चे फेल होते हैं उसका उदाहरण देते हैं मेरा सिंपल सवाल है आपसे आप अपने बच्चों को किसका उदाहरण देके प्रेरित करना चाहोगे क्लास में तो बच्चे फेल भी होते हैं पास भी होते हैं फर्स्ट तो एक ही आता है अगर 40 बच्चों की क्लास है तो एक फर्स्ट आएगा 39 लोग फर्स्ट नहीं आएंगे आपके पिताजी आपको उदाहरण किसका देते हैं मेरा सिंपल सवाल है किसकी तरह बनाना चाहते हैं उसकी तरह बन जो फर्स्ट आया है क्या आपके पिताजी कभी उसको उदाहरण देते हैं जो फेल हो गया है आपके पिताजी आपको उदाहरण उसका देते हैं देते आए हैं जो फर्स्ट आया है यानी जो कामयाब हुआ है क्यों क्योंकि आपके पिताजी चाहते हैं कि आप उस जैसा बने लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो हम उन लोगों का उदाहरण पकड़ने की कोशिश करते हैं दोस्त जो फेल हो गए हैं आपको नहीं लगता ये हिपोक्रेसी है आपको नहीं लगता ये दोहरा मापदंड माप है कि अपने बच्चों को तो उदाहरण देते हैं कामयाब आदमी का और जब खुद उदाहरण लेने की बारी आती है तो उन लोगों का उदाहरण लेना चाहते हैं जो फेल हो गए आपको नहीं लगता ये डबल स्टैंडर्ड आप क्यों नहीं चाहते कि सोनू शर्मा का उदाहरण लें आप क्यों नहीं चाहते कि गौरव का उदाहरण लें आप वीरेंद्र का उदाहरण क्यों नहीं लेते संदीप का उदाहरण क्यों नहीं लेते बहुत सारे तमाम ऐसे लोग हैं उनका उदाहरण क्यों नहीं लेते आप उनका उदाहरण क्यों लेते हैं जो फेल हो गए ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा सफलता का रेशो इस दुनिया में किसी बिजनेस में पांच सात दस परसेंट का ही है और ये भी बहुत इज्जत दे रहा हूं मैं लेकिन जब भी कोई आप नया काम करना चाहते हैं बाजार में तो आप हमेशा सफल लोगों की तरफ देखते हैं जो लोग सफल हो गए अपने काम में यहां भी यही कैच है नाकामयाब लोग नाकामयाब लोगों से प्रेरित होते हैं कामयाब लोग कामयाब लोगों से प्रेरित होते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा दुनिया वैसी ही दिखती है जिस नजर का चश्मा आप लगाते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप वही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं इस यूनिवर्स में जो वेवलेंथ आप पास करते हैं जैसा सोचते हैं जैसा बात करते हैं वैसी चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं सफल लोगों के बारे में सोचते हैं तो सफलता आपके पास आती है असफल लोगों के बारे में सोचते हैं तो असफलता आपके पास आती है आज आपका ये कॉल है इस स्लाइड के ऊपर कि आप किसकी तरह बनना चाहते हैं बहुत सारे लोग आज भी पुराने तरीके से जिंदगी बता रहे हैं वो आपकी बात इतनी आसानी से समझेंगे नहीं मैल सालों साल की मैल चढ़ी है कैसे उतर जाएगी बड़ा डिफिकल्ट है मैं प्रयास कर रहा पूरा प्रयास कर रहा हूं आप भी जोर लगाइए कुछ तो उतार ही देंगे आप सोचिए ना इस नए आदमी की मैं हमेशा कहता हूं कि नए आदमी की कोई गलती नहीं है एक आदमी जो दस हजार रुपए की तनख्वाह से शुरू हुआ आज बीस साल के बाद उसकी तनख्वाह पचास हजार या साठ हजार है एक आदमी ने दस हजार की तनख्वाह से अपना करियर शुरू किया आज तीस साल के बाद वो एक लाख रुपए की तनख्वाह पे है और अचानक हम में से कोई जाता है और उसको कहता है कि मुझे तो दो ढाई साल हुए हैं और मैं पांच लाख रुपए महीना कमाता हूं तो वो कैसे विश्वास करेगा उसकी बुद्धि बुद्धिमय बात घुसाने में आपको पचास साल लग जाएंगे वो फिर भी नहीं मानेगा उसको लगेगा कुछ ना कुछ कैच है कुछ ना कुछ, ना कुछ लोचा है लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि टेक्नोलॉजी बदल चुकी है काम करने के तरीके बदल चुके हैं चिट्ठी का जमाना चला गया मेरे भाई ईमेल आ गए हैं व्हाट्सएप आ गया है अपनी बात आज से हजार किलोमीटर दूर किसी को पहुंचाने के लिए पहले एक हफ्ता लगता था आप टेलीग्राम लिखते थे आप चिट्ठी लिखते थे फिर चिट्ठी डब्बे में डालते थे फिर डाकिया उठाता था फिर भेजता था अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए छह दिन सात दिन लगते थे आज अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए पांच सेकेंड भी नहीं लगते टेक्नोलॉजी बदल गई है काम करने के तरीके बदल गए हैं तो पैसा कमाने का तरीका भी बदल चुका है अपने आप को अपडेट करिए जैसे मोबाइल अपडेट करते हैं ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आगे लेके चलता हूं बधाइए आपको क्या आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा हैं मैं सबसे पहले आपको उसका प्रोफाइल बहुत जल्दी से बता देता हूं कि वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टेड इन टू थाउजेंड में शुरू की गई कंपनी आज दो करोड़ लोग इस कंपनी का हिस्सा हैं ये प्राउड की बात है कि आपने जिस कंपनी का में ज्वाइनिंग किया है आजकल परसों कभी भी किया हो आपसे पहले दो करोड़ लोग ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं तो एक ट्रस्ट लेवल क्रिएट होता है एक फेथ डेवलप होता है कि आपसे आगे दो करोड़ लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे चलने की आपने आज निर्णय किया है और दो करोड़ लोग आपसे पहले चल रहे हैं तो ये बेवकूफ तो नहीं हो सकते सत्रह साल इस कंपनी को चलते हुए हो गए दो करोड़ लोग आज इसका हिस्सा है वो कहते हैं कि आप कुछ लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते कोई सिस्टम है जो चला रहा है तीन हजार से ज्यादा आज इस कंपनी के छोटे बड़े ऑफिस हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर चार सौ से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं आज करीब करीब छह सात कंट्री में इस कंपनी के ऑफिस हैं बहरीन बांग्लादेश ओमान सऊदी अरेबिया यू नेपाल अलग अलग कंट्रीज में अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग चुकी हैं जहां प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है इस कंपनी के बारे में और डिटेल जानते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन दुनिया भर के अवार्ड्स दुनिया भर की रिकॉग्निशन आज इस कंपनी की झोली में है और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि पिछले साल 2020 में पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी दुनिया है दोस्त पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में 30वें पायदान पे पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी थी हमारी और आपकी वेस्टीज और हम सबको जहां पर हैं इसके लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि भारत की एकमात्र कंपनी जो वर्ल्ड फोरम पे जाकर अपनी प्रेजेंस दिखाती है और कंपनी के तीनों डायरेक्टर्स को वहां पर वो सर्टिफिकेट मिलता है मिस्टर गौतम बाली मिस्टर दीपक सूद मिस्टर कनवरवीर सिंह वहां जाते हैं उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करते हैं तो ये भारत के लिए प्राइड की बात है गर्व की बात है कि कोई भारतीय कंपनी पूरी दुनिया में टॉप हंड्रेड में आई टॉप थर्टी में आ गई ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं हम सबको गर्व होना चाहिए और आज करीब करीब 400 प्रोडक्ट्स इस कंपनी के माध्यम से आप ले सकते हैं अलग अलग तरह के हर्ट बोन्स वुमेन हेल्थ फिटनेस डिटॉक्स रिज्यूवेशन इम्यूनिटी के लिए हेल्थ केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं पर्सनल केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आपको हर तरह के प्रोडक्ट्स आज वेस्टिज के अंदर मिलेंगे जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा है आप उससे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जरूर लीजिएगा मैं सिर्फ आपको ब्रीफ कर सकता हूँ अगले कुछ समय के अंदर यानी हेल्थ फूड आपको मिलेगा हेल्थ केयर में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग हो इस कोविड नाइन्टीन में आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं आज की डेट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है इस कोविड नाइन्टीन में वो हेल्थ है आप भी जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ तो हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आपका इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा है आप जरूर उससे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दीजिए हेल्थ फूड हेल्थ को लेकर एक बहुत बड़ा रेंज वेस्टिज की झोली के अंदर है आप हर तरह के प्रोडक्ट्स आज वेस्टिज से बाय कर सकते हैं ओरल केयर बहुत बड़ा रेंज है ओरल केयर का जिसमें टूथपेस्ट माउथ वॉश ब्रशेज एंड एवरीथिंग वुमेन हाइजीन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आपको मिलेंगे व्यक्ति से संपर्क करिए जिसने आपको डिटेल दिया है ताकि आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरा का पूरा ओवरव्यू बताया जा सके हाईवेस्ट हाइजीन सोल्यूशन फ्रॉम चीज पूरी की पूरी रेंज है आपके हाइजीन को ध्यान में रखते हुए आप आ, अल्ट्रा गार्ड से लेकर अल्ट्रा मैजिक से लेकर अल्ट्रा शीट से लेकर अल्ट्रा स्वैप से लेकर अल्ट्रा वॉश अल्ट्रा शाइन और सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सबसे खास बात जानते हैं दोस्तों इस प्रोडक्ट्स की क्या है ये 100 परसेंट मनी बैक गारंटी के साथ आ सकते हैं आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपको आज तक आपने हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे लेकिन एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आपको मनी बैक गारंटी देती है अगर आपका प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं है तो आप वापस वापस करिए पैसा लेके जा सकते हैं ये वही कंपनी कर सकती है जिसको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर दो भरोसा होता है सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट्स ए क्वालिटी प्रोडक्ट्स और आपकी रेंज के प्रोडक्ट कभी कभी लोगों को लगता है सस्ता है तो खराब होगा और अच्छा है तो महंगा होना चाहिए ऐसा नहीं है मेरे दोस्त सस्ता भी अच्छा हो सकता है एग्रीकल्चर पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज एग्री के प्रोडक्ट्स एग्री एटीट्यूड ने धूम मचा रखी है फसल को बेहतर बनाने के लिए बेहतर प्रोडक्शन के लिए आज एग्री पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और बहुत बड़ा टर्नओवर आज वेस्टेज में एग्री प्रोडक्ट से होता है जितने भी मेरे किसान भाई आज मुझको सुन रहे हैं आप लोग जानते हैं कि फसल की पैदावार बढ़ाने में प्रमुख सहायक प्रोडक्ट की तरफ से है तो एग्री है इसकी सुपर डिमांड रहती है और कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक भी होता है आप डिटेल पूछिएगा उस व्यक्ति से इसके बारे में जो आपको लिंक भेजे मिस्ट्री ऑफ मिलान लेडीज का पूरा का पूरा रेंज मेरे दोस्त आपको यहां पर मिलेगा नेल पेंट से लेकर लिपस्टिक से लेकर ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट हेयर डिटेल जरूर लीजिएगा उस व्यक्ति से जितनी भी महिला मित्र मेरी माए मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं सारा का सारा प्रोडक्ट्स आप जो मार्केट से खरीदते हैं आपको मार्केट से खरीदने का जरूरत नहीं है यहाँ आपको सारा का सारा रेंज मिलेगा डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर और मार्केट से कम कॉस्ट पर स्किन फॉर्मूला नाइन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ रेंज रहता है सॉरी लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एक बार आपको टेस्ट लग गया तो आप ये प्रोडक्ट यूज किए बिना रह ही नहीं सकते आप बार बार इसको ऑर्डर करेंगे बार बार इसको यूज करेंगे ये एक्सक्लूसिव क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं आप जरूर मंगवाइए एक बार मेरे कहने से स्किन फार्मूला नाइन जरूर यूज करिए डिटेल जरूर लीजिए उस आदमी से जिसने आपको एक लिंक फॉरवर्ड किया है मैको ड्राइव आपकी बाइक आपकी गाड़ी की सर्विस में जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है वह है इंजन प्लेटिनम सेरामिक कोटिंग ये प्रोडक्ट आप अपने इंजन में डाल सकते हैं आपकी एवरेज बढ़ती है आपकी नॉइस रिडक्शन होती है और आपको तरह तरह के फायदे मिलते हैं आपका जो बाइक है आपकी जो गाड़ी है आपको उसमें स्मूथनेस नजर आती है डिटेल फिर जरूर लीजिए ये प्रोडक्ट भी हमारे पास है, आप यूज कर सकते हैं इसको और रिकमेंड कर सकते हैं अपने हिंदुस्तान में सारे दोस्तों को और सबसे बड़ी बात आपके घर में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान आपको यहाँ पर मिलेगा ग्रॉसरीज और एसेंशियल्स में वेस्टेज बेस्ट डील के अंदर आपको मिलेगा ईच एंड एवरी आप आटा यहाँ से ले सकते हैं बिस्किट ले सकते हैं मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स मदर डेयरी का देसी घी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं डावल का चवन क्राश आपको यहाँ से बाय कर सकते हैं आशीर्वाद आटा आप यहाँ से बाय कर सकते हैं आप कैच के मसाले बाय कर सकते हैं टाटा के मसाले बाय कर सकते हैं आप टोमेटो केचप यहाँ से बाय कर सकते हैं आप शुगर यहाँ से बाय कर सकते हैं आप भुजिया यहाँ से बाय कर सकते हैं आप बिस्किट यहाँ से बाय कर सकते हैं आप घर में जो भी सामान इस्तेमाल होता है रियल की जूस आप यहाँ से बाय कर सकते हैं डिस्काउंटेड रेट्स पे डाबर के प्रोडक्ट्स आप यहाँ से बाय कर सकते हैं अगरबत्ती से लेकर वेज फ्रू से लेकर एवरीथिंग रू अफजा से लेकर आप सब कुछ अंडर वन रूफ बाय कर सकते हैं डिस्काउंटेड रेट्स पर मोबाइल्स एंड मोबाइल एसेसरीज आप यहाँ से बाय कर सकते हैं रेडियो एयरफोन हेडफोन्स मोबाइल्स ऑडियो सिस्टम ईच एंड एवरीथिंग रेंज सारी की सारी रेंज आप यहाँ पर ए से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर स्टीम आयरन से लेकर राइस कुकर मिक्सर जूसर ग्राइंडर जो आपके घर में इस्तेमाल हो सकता है अंडर वन रूप ऑन डिस्काउंटेड रेट यानी ये आपकी अपनी दुकान है आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है मार्केट से कम रेट पर आप ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं मैन क्लोथिंग फैशन असेसरीज फुटवेयर वुमेन क्लोथिंग ईच एंड एवरी थिंगोर हंड्रेड प्लस प्रोडक्ट डिटेल जानकारी जरूर लीजिएगा उस आदमी से जो आपको इन्वाइट किया है किचन एंड होम सब कुछ मिलेगा आपको वीवीडी के अंदर हेल्थ के प्रोडक्ट्स 100 परसेंट मेड इन इंडिया 100 परसेंट सिंथेटिक शुगर फ्री 100 परसेंट वेजिटेरियन टेन डिफरेंट रीजन टू स्टे हेल्दी और ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी आपको गिलोय पेन क्लीनर डिटॉक्स हर्बोसलिम एल एलओडी ब्लॉकर सब कुछ आपको अंडर वन रूफ मिलेगा वीवीडी के थ्रू च्यवन से लेकर राजभोग प्राज से लेकर लाल तेल से लेकर सब कुछ आपको अंडर वन रूफ मिल सकता है जरूर एक बार डिटेल जरूर समझिएगा सारे प्रोडक्ट्स को मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे कुछ चीज़ें कवर करनी है तो मैं बहुत तेज तेज भाग रहा चेंज शॉप चेंज लाइफ सिर्फ दुकान बदल के आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और अब मैं इस बिजनेस के इस वी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर पहुंच गया प्रोडक्ट्स की जानकारी देने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीन तरह के लोग वेस्ट चीज में एंटर करते हैं

जो अपने अपलाइन के चेक को देखकर बड़ी जल्दी मोटिवेट होते हैं इनको लगता है इसका लॉटरी का टिकट है इसका लग गया तो मेरा भी लग जाएगा ये लॉटरी का टिकट नहीं होता बहुत सारे लोगों को ये लॉटरी का टिकट लगता है पहले तरह के लोग वो हैं जो लॉटरी का टिकट समझ के इस बिजनेस में आते हैं दूसरी तरह के लोग होते हैं मेच्योर्स जिसको मैं बोलता हूँ आधा पका फल इनके दिमाग में क्या रहता है इनके दिमाग में रहता है कि मैं तीन चार बढ़िया लोग जोड़ दूंगा अपने साथ वो काम करेंगे मैं करोड़पति हो जाऊंगा मैंने काम ही नहीं करना झंझट छूट जाएगा जिंदगी जबरदस्त हो जाएगी क्या होते हैं एम क्या सोचते हैं तीन चार बढ़िया लोग एक मेरे मामा जी का बेटा एक सुधीर एक मैं जोड़ूंगा चंडीगढ़ से उसको एक मैं जोड़ूंगा गुवाहाटी से और एक मेरा सबसे अच्छा दोस्त रमेश ये चार पांच लोगों को जोड़ूंगा इनका बहुत बड़ा सर्कल है ये दबा के काम करेंगे मैं करोड़पति हो जाऊंगा वाह बल्ले बल्ले मर्सडीज मेरी आगे आ जाएगी मेरी जिंदगी बदल जाएगी और मैं बन जाऊंगा राजा इनको मैं बोलता हूं एम आधा पका फल तीसरी तरह के लोग इस बिजनेस में आते हैं जिनको मैं बोलता हूं प्रोफेशनल्स। नेटवर्क मार्केटिंग हंड्रेड परसेंट प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है दुर्भाग्य है कि इसमें 95 फाइव परसेंट अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं जो पोजर्स और एमएचर्स होते हैं ये नाइन्टी फाइव परसेंट लोग इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं आगे जाके पांच परसेंट लोग प्रोफेशनलों की तरह आते हैं ये बीआईपी करने के पीछे क्या मोटिव है जानते हैं ये बीआईपी करने के पीछे मोटिव ये है कि हम आपको पोजर्स और एमैच्योर की बाल्टी से निकाल के प्रोफेशनल की बाल्टी में डाल सके हम आपको पोजर्स और एमैच्योर का कैटेगरी का ठप्पा हटा के प्रोफेशनल का ठप्पा लगा सके हम चाहते हैं एज अ टीएसएस कि आप इस काम को अच्छे से सीख के करें और बहुत पुरानी सी कहावत है कि सीख कर तो जहाज भी चलाया जा सकता है अगर आप सीखना चाहें तो आप प्लेन भी उड़ा सकते हैं और बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलती सीख के करेंगे तो गलती नहीं होगी लेकिन जो पोजर होते हैं वो सीखते नहीं है। जो होते हैं, वो सीखते सीखते नहीं नहीं हैं जो होते सीखता कौन है प्रोफेशनल तो जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं मैं चाहता हूं कि अगर आप पोजर बनकर आए थे उस टैग को हटा दीजिए अगर आप एमेच्योर बनकर आए थे उस टैग को हटा दीजिए बनिए प्रोफेशनल मेरे साथ मैं आपको सिखाऊंगा अगले पंद्रह मिनट के अंदर कि कैसे यार इस बिजनेस में कीर्तिमान बना सकते हैं कैसे आप झंडे गाड़ सकते हैं मिनट की लोगों के सामने आज आपको इस यूट्यूब के माध्यम से जूम के माध्यम से अगले पंद्रह मिनट के अंदर पांच ऐसे काम बताने जा रहा हूं पांच ऐसी स्किल बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर कर सकती है नेटवर्क मार्केटिंग ये वो पांच बेसिक कोर्स हैं इसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए नंबर वन फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट सबसे पहला काम आपको इस बिजनेस में आने के बाद क्या करना है आप जुड़ गए आपने एंट्री ले ली अब करना क्या है साथियों आईएस आईपीएस में एडमिशन लेकर आप आईएस आईपीएस नहीं बनते आईएस और आईपीएस में एडमिशन लेना तो आसान है क्वालिफाई करना मुश्किल है एडमिशन लेके आप आईएस नहीं बनते कुछ करके बनते हैं और वो जो करना है वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है मैं आपको पांच चीजें बता रहा हूं जो आपको करना है नंबर वन फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट आने के बाद इस बिजनेस में स्टार्ट होने के बाद लोगों का सबसे बड़ा सवाल क्या होता है क्या मैं किसी को जानता हूं क्या मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा क्या मेरे साथ कोई जुड़ेगा पता नहीं कोई करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं लोग क्या सोचेंगे पता नहीं क्या होगा डाउट रहता है एक रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं इन सबको दूर करने का एक रामबाण इलाज। जानते हैं क्या एम टी योर माइंड ऑन द पेपर पहला काम ये करिए आप अपने जीवन में जिसको भी जानते हैं दोस्तों पैसे कमाना आसान नहीं है पहले तो मैं आपको यह बता दूं आसान होता तो सब कमा लेते मर्सिडीज चलाना आसान होता तो सबकी चौखट पे खड़ी रहती आसान तो कुछ नहीं है जिसको लगता है कि जिंदगी आसान है वो बहुत बड़े भ्रम में है जिसको लगता है सफल होना आसान है बहुत बड़े इल्यूजन में है आसान कुछ नहीं है हार्डवर्क डिटर्मिनेशन डिसिप्लिन न जाने कितनी क्वालिटीज लगती हैं किसी भी आदमी को कामयाब होने के लिए तुक्का कुछ नहीं है सफलता तुक्का नहीं है सालों साल मेहनत करने का नतीजा है तो पहली मेहनत मैं आपसे क्या करना चाहता हूं जानते हैं मेहनत है कि आपको अपना दिमाग खाली करना पड़ेगा एक पेपर के ऊपर आप अपने जीवन में जितने लोगों को जानते हैं उनका नाम लिख लीजिए बस वो करेंगे कि नहीं करेंगे मत सोचिएगा वो आएंगे कि नहीं आएंगे मत सोचिएगा हम उनको बुलाएंगे कि नहीं ये भी मत सोचिएगा बस मैं जो कह रहा हूं करिए गणित मत लगाइए दिमाग मत लगाइए एंटी योर माइंड ऑन द पेपर अपना दिमाग खाली कर दीजिए एक सफेद कागज के ऊपर आपके स्कूल में जाने वाले दोस्त आपके कॉलेज के दोस्त आपके ऑफिस के कलीग्स, आपके मामा जी चाचा जी भाई भतीजा दोस्त रिश्तेदार सांडू साहब आपके आगे रहने वाले आपके पीछे रहने वाले दाएं रहने वाले बाएं रहने वाले कभी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था वहां के दोस्त कभी स्विमिंग ज्वाइन करी थी वहां के दोस्त कभी जिम ज्वाइन किया था वहां के दोस्त जितने लोगों को आप जानते हैं जिस डॉक्टर से आप दवाई लेते हैं जिस केमिस्ट से आप दवाई लेते हैं जिससे आदमी जूता खरीदते हैं जिस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं जिस केमिस्ट से आप खरीदते हैं जिस जिस व्यक्ति को अपने जिंदगी में आप जानते हैं ना उसका नाम दिमाग से निकालिए और पेपर पे डालिए इससे क्या होगा अभी ये मत पूछिएगा इससे फायदा क्या है नुकसान क्या है मत पूछिए कुछ चीजें जैसा बताई जाए वैसे कर लेनी चाहिए बस इसके पीछे बहुत बड़ा एल्गोरिथम है इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस काम करती है एम टी योर माइंड ऑन द पेपर हो सकता है आपने 200 लोगों का नाम लिखा हो हो सकता है आपने 300 लोगों का नाम हो और हो सकता है उन 200 में से 100 लोगों को मैं बुलाऊ ही नहीं बिजनेस दिखाने के लिए फिर क्यों लिखवा रहा हूं बस लिख लीजिए अभी मत पूछिए जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों करा रहा था अभी दिमाग खाली कर लीजिए बस आपके दिमाग में कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो पेपर पे ना हो बस रिटर्न लिस्ट बनाइए कुछ लोगों की दिमाग में लिस्ट रहती है मत करिएगा सर ऐसा ऐसी गलती मत करिएगा आप पहले ही मौके पे फेल हो जाएंगे अगर आपकी लिस्ट पेपर पे नहीं होगी मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से आपको पांच चीजें बता रहा हूं बस मेरे दोस्त याद करो बारह साल टीचर के हिसाब से पढ़े थे तब जाके बारहवीं हुई थी चपरासी की नौकरी नहीं लगती कहीं बुरा ना मानना पांच चीजें मान लो यार सिर्फ पांच चीजें बिना सोचे बिना दिमाग लगाए जैसा कहता हूं कर लो बस दूसरी चीज इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी अब जिनका लिस्ट में नाम लिखा है कसम खा लो एक बार कि इन सब लोगों को वेस्टिज का बिजनेस प्लान दिखाऊंगा इन सबको दिखाने के बाद डिसाइड करूंगा कि इस बिजनेस को आगे करूं या ना करूं मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कसम खाओ कसम है आपको आपके बच्चों की उनके सपनों की आपके सपनों की अधूरे सपनों की कसम है जितने लोगों की सूची बनाई है इन सबको एक बार दिखा दो वो करेंगे कि नहीं करेंगे छोड़ दो उनको सो खोपड़ी में जाएगा कि नहीं जाएगा सो छोड़ दो एक बार उनसे गुजर जाना है बस एक बार गुजर जाओ अगर 200 लोगों की लिस्ट बनी है प्रयास करो उन 200 लोगों को ये प्रोडक्ट्स, ये अपॉर्चुनिटी एक बार बता दो बस इनविटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन नेटवर्क मार्केटिंग आप किस तरीके से उनको इनवाइट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप कैसे लोगों को इनवाइट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।, है कि आप अपने बिजनेस को लेकर विचार कैसे रखते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बिजनेस को लेकर एक्साइटेड हैं कि नहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको आशा की किरण लग रही है कि नहीं लग रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, है कि नहीं लगता है, कि आपके सपने पूरे कर सकता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपकी आंखें खुल जाती है आपका रोम रोम जर्रा जर्रा इस बिजनेस के बारे में बात करता है अगर आप कॉन्फिडेंट है अगर आप पॉजिटिव है लेकिन अगर आपको लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा तो ऐसी ही बातें आपके दिमाग से निकलते हैं कहता हूं जैसा आप हैं वैसी चीजें अट्रैक्ट आप करते हैं पॉजिटिव होके कॉन्फिडेंट होके जितने लोगों का सूची खींचा है आपने एक एक बार इस बिजनेस को दिखा दीजिए बस मैं आपको दावा दे सकता हूं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से आपका लाइफ बदल जाएगा मेरे दोस्त अब आप ये सवाल पूछिए कि 90 लोग फेल क्यों होते हैं पूछिए है। मैं आपको जवाब देता हूं सिंपल कि 90 परसेंट लोग अपनी सारी की सारी लिस्ट को पूरी जिंदगी में कैच ही नहीं करते 90 परसेंट लोग सिर्फ चार पांच सात दस लोगों से बात करने के बाद इस बिजनेस को राम राम कर देते हैं बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है कि ये 90 परसेंट लोग जब सिर्फ सात आठ दस लोगों से बात करते हैं तो उन दस लोगों के विचार के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि बिजनेस उनके लिए है कि नहीं नहीं पूरी लिस्ट से गुजरना है मेरे दोस्त तो एक को भी नहीं छोड़ना अगर सौ की लिस्ट बनाई है ना तो सौ को दिखाने के बाद ये सोचना कि बिजनेस हमारे लिए था या नहीं था लोगों का प्रॉब्लम क्या रहता है वो दो को दिखाने के बाद सोच लेते हैं कि ये बिजनेस हमारे लिए नहीं था सबसे बड़ी गलती करते हैं मैं आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस बताता हूं पहले चौदह लोगों ने दोस्त मुझको मना कर दिया था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नया नया आया बाईस 23 साल मेरी उम्र थी बहुत छोटा था मैं चौदह लोगों ने मुझे मना किया कि हमको तुम्हारे साथ ये बिजनेस नहीं करना मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता जानते हैं वो इस काम को छोड़ देता छोड़ देता चौदह ने मना कर दिया और चौदह ने इतनी गीता ज्ञान की बातें करी हमें सब पता है हमने दुनिया देखी है ऐसे नहीं होता हमारे मामा जी का चाचा जी का लड़का फंस गया था एक दिन ऐसी ऐसी बहुत बातें उन्होंने करी मेरी कोई और होता तो छोड़ देता लेकिन अच्छी बात थी कि मेरी कोई और नहीं था मैं ही था मैंने को दिखाया क्योंकि मैंने अपने दिमाग में एक बात सेट कर रखी थी कि मेरी लोगों लोगों की मैंने 72 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई थी आज से करीब करीब बरस पहले मेरे दिमाग में था को दिखा उसके बाद देखूंगा करना है आपके क्या पैसे लग रहे लिंक तो भेजना है दिखाने वाला दिखाएगा बस ये बात मुझे इस बिजनेस में जिंदा रखी मैंने पूरा बहत्तर लोगों को दिखाया और उन बहत्तर लोगों में से बहुत लोगों ने ज्वाइन किया बहुत सारे लोगों ने काम किया मैं आज आपके सामने इस बात को बता रहा बस इतना काम करिए लिस्ट बनाइए और उस पूरी लिस्ट से प्रोसेस हो जाइए उस पूरी लिस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए बस उसके बाद डिसाइड करिए कि बिजनेस करना है कि नहीं करना और दिखाने के बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट जिसको दिखाया 24 घंटे के अंदर उसका फॉलो अप जरूर करिए एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आदमी खुद आपके पास नहीं आता एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी कभी पुश सेल भी जरूरत पड़ती है पुश पुश सेल सेल क्या होता है? ये होता है है ये कि कभी ना कभी कुछ चीजों के आपको और ठुक कर और बजा के लोगों को बताना पड़ता है कि नहीं ये बिजनेस क्यों आपके लिए जरूरी है फॉलो अप जरूर करना है जिस दिन आपने किसी व्यक्ति को ये बिजनेस दिखाया 24 घंटे के अंदर आप उससे जरूर दोबारा मिलिए चाहे जूम पे मिलिए चाहे कॉल करके मिलिए चाहे पर्सनली मिलिए लेकिन 24 घंटे के अंदर उससे पूछिए कि तुझे इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा तेरे मन में कोई डाउट है तो बता क्या चीज तुझे रोक रही है इस बिजनेस को करने के लिए और तुझे बता नुकसान क्या है एक सवाल उससे जरूर पूछो कि इस बिजनेस को करने से तेरा नुकसान क्या होगा तूने तीन दिए चार हजार दिए या पांच हजार दिए उतने रुपए का सामान पहले ही दिन तेरे पास आ गया तेरा नुकसान क्या हुआ मुझे सिर्फ नुकसान बता दे वो कह रहा मैं किसी को बता नहीं सकता तो मैं बोलता हूं मत बता तुझे ज्वाइन करने पे नुकसान क्या हो रहा है ये बता दे बस भाड़ में की दुनिया मत बना लिस्ट मत जोड़ किसी को मत बता किसी को सिर्फ एक बात बता तुझे जुड़ने में नुकसान क्या हुआ तूने 2000 दिए 2000 का सामान तुझे मिला क्या हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकता बंदा कहता है यार इसमें बात तो गलत नहीं कर रहा मेरा नुकसान क्या हो रहा है बहुत काम दुनिया ऐसे करती है जिसमें नुकसान होते हैं फिर भी करती है ये कम से कम एक एकमात्र ऐसा काम मैं तुझे बता रहा हूं कि जिंदगी में नुकसान कभी नहीं होगा ये बात समझ में आती है आदमी को और ये कब बतानी है फॉलो अप करते वक्त और जब वो व्यक्ति ज्वाइन करता है ना और वो किसी को लेके आता है वो भी एक ही बात बोलता है तू करोड़ लगा रहा है, कर है, कर कर है? खरीदता था बाजार से नहीं खरीद कर यहां रहे, इसमें नुकसान क्या है जो शैंपू बाजार से खरीदता था वो यहां से खरीदता इसमें नुकसान क्या है जो टूथपेस्ट बाजार से खरीदता था वो यहां से खरीद रहा है साले इसमें नुकसान क्या है नुकसान बता दे अगर नुकसान बता देगा तो बिजनेस मत करिए मैं आपको बता दूं इस पूरी दुनिया के अंदर कोई आदमी आपको व्यस्त ज्वाइन करने का नुकसान नहीं बता सकता और यही आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यही आपका ब्रह्मास्त्र है चौबीस घंटे के अंदर फॉलोअप जरूर करिए चौथी बात हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर गेट स्टार्टेड राइट जो भी व्यक्ति

रात को नौ बजे की बी में आप उसको ले आइए उसको सारी जानकारी मिलेगी उसको समझ में आएगा हेल्पिंग यूर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर गेट स्टार्टेड राइट रात को नौ बजे की बी अटेंड करिए आप भी बार बार अटेंड करिए जरूरी नहीं है कि एक बार कर दिया तो दोबारा अटेंड नहीं करना आप बार बार आइए बार बार सुनिए बार बार कौन सी बात आपको कब समझ में आ जाए नोबडी बडी नोज कौन सी जगह कब घंटी बज जाए नोबडी नोज किस आदमी की बात आपको समझ में आ जाए नो बड़ी नो हो सकता है मेरी समझ में ना आए वीरेंद्र की आ जाए वीरेंद्र की समझ में ना आए मनीषा की आ जाए मनीषा की समझ में ना आए संदीप की आ जाए संदीप की समझ में ना आए गौरव की आ जाए गौरव की समझ में ना आए अनिल की आ जाए क्या पता किसके द्वारा किस स्टाइल में कही गई बात किसके दिमाग को छेद जाए और आपकी जिंदगी बदल जाए रात को नौ बजे की वी को अटेंड करने का नियम बना लीजिए सबको लेकर आइए हेल्पिंग यूर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर गेट स्टार्टेड राइट ताकि उसको पहले ही दिन इस बिजनेस की सही जानकारी मिले इन्फॉर्मेशन में प्रोमोटिंग इवेंट्स आपके नेटवर्क में जो भी आपके अप्लाइंस हैं कोई भी इवेंट होता है आप उसको दिल से प्रमोट करिए कोई भी इवेंट होता है जैसे बी आई पी है तब आ प्रमोट करिए बिगिनर्स इंडक्शन प्रोग्राम है पूरे नेटवर्क में व्हाट्सएप करिए पोस्टर्स भेजिए सबको बताइए दिल खोल के बताइए दवा के इवेंट प्रमोट करिए कोई पे आउट सेलिब्रेशन डे है दवा के प्रमोट करिए आपके नेटवर्क में आपके ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी हो रही है दवा के प्रमोट करिए ये पांच स्किल अगर आप अंडरस्टैंड कर गए हैं बड़ी छोटी छोटी चीजें लेकिन इसके मर्म बहुत बड़े हैं मेरे दोस्त हैं बड़ी छोटी छोटी चीजें लेकिन इसका आउटकम बहुत बड़ा है मेरे दोस्त पांच चीजें ध्यान रखिए इससे होगा क्या मैं वो बताता हूं इससे हो गया या वो बताता हूं। लेकिन उससे पहले कामयाब होने का एक सिंपल आखिरी में आपको दे दू और वो ये है द सोल ऑफ वेस्टेज बिजनेस इज कंसिस्टेंसी आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि चार महीने कोई भी आदमी अगर वेस्टेज का सामान तीन हजार रुपए का बाय करता है तो पांच महीने ढाई हजार रुपए की प्रोडक्ट्स फ्री हैं क्या आप ये बात को जानते हैं अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं जानते तो मैं बता देता हूं चार महीने अगर आप तीन हज़ार रुपये का सामान खरीदते हैं तो पाँचवें महीने पच्चीस सौ रुपये का सामान वेस्टेज की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो आपको हर महीने थ्री थाउजेंड की बाइंग करने की हैबिट डालनी है द सोल ऑफ वेस्टेज बिजनेस वेस्टेज में कामयाब होने की जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है वो ये है कि हर बारह तारीख से पहले पहले आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए यानी हर महीने आपको तीन हजार रुपये का सामान जो आप बाज़ार से वैसे भी खरीद रहे थे अब वहां से ना खरीद के वेस्टिस से खरीदना है ये डिसिप्लिन आपको बनाना है क्योंकि ये आप बनाएंगे तो आपकी टीम बनाएगी आप करेंगे तो आपके लोग करेंगे और कंसिस्टेंसी की पावर बहुत बड़ी है कोई भी काम बार बार अगर लगातार किया जाए तो कमाल होते हैं सर वो कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान रस्सी आवत जावत और सिल पर करत निशान एक रस्सी बूएं में डाली जाती है जब बाल्टी में लगा के वो पत्थर पे घिसते घिसते एक दिन पत्थर पे निशान छोड़ देती है पानी की बूंद अगर पत्थर पे बार-बार गिरे एक बार गिरे लगातार गिरे तो पत्थर में सुराख कर देती है इसको बोलते हैं द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एक ही काम को बार-बार करना लगातार करना महीनों तक करना सालों तक करना अगर आप कामयाब होना चाहते हैं दोस्त तो 1 और 12 के बीच में कंसिस्टेंसी करें और अपनी टीम में करने की आदत डालें। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कामयाब होने के रास्ते बताओ जब मैं उनको रास्ते बताता हूं तो कहते हैं तो बड़े सिंपल सिंपल से रास्ते हैं तो मैं बोलता हूं सिंपल चीजें करना बड़ा मुश्किल होता है बस यही प्रॉब्लम है ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी सिंपल तो है सलाह आसान नहीं है कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है आप 12 महीने लगातार एक तारीख और 12 तारीख के बीच में अपनी कंसिस्टेंसी का ऑर्डर अगर आप डाल गए मैं आपको दावा दे सकता हूं कि आपके कामयाब होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं कंसिस्टेंसी ज़रूर करिए और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कल 12 तारीख थी आखिरी तारीख थी लेकिन कल रात को ही कंपनी ने कंसिस्टेंसी के दिन दो बढ़ा दिए यानी अब कंसिस्टेंसी कल रात तक के लिए एक्सटेंडेड है तो जिन लोगों ने अभी भी नहीं डाला वो कल अपना ऑर्डर डाल के अपने कंसिस्टेंसी का बेनिफिट उठा सकते हैं और जो लोग हमारी बातें माने हैं जिन लोगों ने हमारी बातों पे अमल किया है उनके साथ क्या हुआ है मैं आपको लेके चलता हूँ आगे लेकिन एक बात बताना चाहूँगा हमेशा ध्यान रखिए एनी थिंग वर्थ वाइल टेक्स टाइम एनी थिंग वर्थ वाइल टेक्स टाइम दुनिया में बड़े बड़ी चीजें जो भी बनी हैं उनको बनने में समय लगा है दुनिया में बनने वाली बड़ी से बड़ी चीज़ को बनने में समय लगा है इट टेक नाइन मंथ टू प्रोड्यूस अ बेबी इट टेक नाइन मंथ टू प्रोड्यूस अ बेबी नौ महीने गर्भ में रहने के बाद संतान का जन्म होता है टाइम लगता है फिर ग्यारह से बारह से तेरह महीने लगते हैं चलने में दो साल लगते हैं पहला माँ बोलने में बाप बोलने में दो साल के बाद वो बोलना शुरू करता है तेरह चौदह महीने के बाद नंदन नहने पैरों से चलना शुरू करता है लेकिन प्रॉब्लम क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आदमी पहले ही महीने में करोड़पति क्यों नहीं हो रहा ऐसा सोचता है कि यार दो महीने हो गए साला मैं करोड़पति नहीं बन रहा कुछ हो नहीं रहा छह महीने के बाद सोच रहा है साला कुछ हो नहीं रहा दो तो साल के बाद बच्चा बोलना शुरू करता है बारह तेरह चौदह महीने के बाद कदम बढ़ाता है चलना शुरू करता है इस बात को हमेशा ध्यान रखिए एनीथिंग वर्थ वाइल टेक्स टाइम बीस साल लगे ताजमहल को बनने में बीस बरस लेकिन आज भी चार सौ साल से बुलंद इमारत खड़ी है आज भी टिकट लगा के लोग देखने जाते हैं जो बड़ी चीज होंगी उनको बनने में समय लगेगा तो ये बिजनेस को भी बिल्ड होने में एटलीस्ट एक साल लगेगा लेकिन दोस्तों ये कितना मजाक की बात है कि डॉक्टर बनने में छह साल लगते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग का राजा आप एक साल में बन सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन के साथ इस काम को कर गए और इस बिजनेस से संबंधित सारी जानकारी ये पूरा एनसाइक्लोपीडिया ये पूरी लाइब्रेरी ये पूरा खजाना कैसे आप सीखें यहां जाके सीख सकते हैं टी का ऑफिशियल चैनल है टीम सोनू शर्मा YouTube.com डॉट कॉम टीम सोनू शर्मा इस पर आप जाए इस पर आपको वेस्ट से संबंधित सारी ट्रेनिंग्स मिलेंगी अगर आप अलग से कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है टीम सोनू शर्मा के ऑफिशियल चैनल पर जाएं आपको यहां पर हेल्थ सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग मिलेंगी आपको यहां पर वाटर प्योरीफायर की ट्रेनिंग मिलेंगी एयर प्योरीफायर की ट्रेनिंग मिलेंगी लीडर्स की ट्रेनिंग मिलेगी यहाँ आपको एक एक चीज की जानकारी मिलेगी खजाना खुला पड़ा है लूटने वाले चाहिए आप डेली नेम बनाइए कि एक वीडियो देखिए आधा घंटा एक घंटा निकालिए और छह महीना नौ महीने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत कुछ बदल रहा है समय लगेगा लेकिन बदल जाएगा इस बात का गारंटी है इन बातों को मानकर जिन लोगों ने इन बातों को माना जिन लोगों ने इन बातों को अमल किया उन लोगों ने क्रांति मचा दी है दोस्त आज टी हिंदुस्तान की सबसे उभरती हुई टीमों में से एक है आज टीएसएस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं आज वेस्टिज का इंफ्रास्ट्रक्चर और टीएसएस का एजुकेशन सिस्टम मिलकर माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं मात्र इस छोटे से 20-21 महीने के छोटे से दौर के अंदर तेरह लीडर्स ने अपनी ड्रीम कार अचीव कर ली मात्र चौदह पंद्रह महीने लॉकडाउन था करीब करीब महीने बिल्ड कर रहे बिजनेस को बिल्ड करते करते तेरह लोग ऐसे हैं जो अपनी ड्रीम कार अचीव कर चुके हैं बहुत जल्दी जल्दी आपको लेके जाता हूं सबसे पहले मेगा एंड भूपेश मेहरा सिंपल मिडिल क्लास फैमिली के लोग नौकरी करते थे वेस्ट चीज में आए ट्रेनिंग अटेंड करी बी, बी की बातें सीखी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया और आज पचास लाख रुपए की गाड़ी खरीदे मेरी बधाई है मेघा को भूपेश को अगर मेघा और भूपेश ले सकते हैं आप क्यों नहीं ले सकते हैं? आप भी ले सकते हैं बर आप में पेशेंस हो बर आप बातों को फॉलो करें सुनने वाली दुनिया है फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं फॉलोवर ही हैं जो यहां तक पहुंचते हैं रुचिका एंड संदीप दूसरे कपल जो फिर मर्सडीज चला रहे हैं आज से कुछ समय पहले इन्होंने अपने सपनों की गाड़ी खरीदी वेस्टेज के बिजनेस से बीआईपी की बातों को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बदल चुके हैं आप सोचिए है दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी गाड़ियों में से एक मर्सडीज सपना होता है बहुत सारे लोगों का क्योंकि चौखट पर मर्सिडीज तो खड़ी हो कैसा लगता होगा तीस तीस साल की उम्र में इन छोटे 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 ही हैं मेरे से तो बारह तेरह चौदह साल छोटे हैं यार इस उम्र के अंदर हमारे पास स्कूटर था कि नहीं था ये भी अब याद नहीं है अब तो लेकिन इस उम्र के अंदर ही बच्चे लोग मर्सिडीज चला रहे हैं अपनी फैमिली को एक शानदार जिंदगी दे रहे हैं ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है इस शानदार सिस्टम की वजह से मनीषा एंड पुनीत मर्सिडीज बंस मर्सिडीज के लिए दुनिया तरसती है लेकिन यहाँ पर मर्सिडीज़ का लाइन लगा है मर्सिडीज का मेला हुआ है पावर कपल अपनी मेहनत से अपने बिजनेस से बहुत सारे कीर्तिमान बनाने वाले दोनों लोग मर्सिडीज बंस आज इनके घर में इनके आंगन में खड़ी है राइड पे जाते हैं अपने बच्चे के साथ एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को कितना टाइम हुआ है मात्र बीस महीने मैं आपको दावा दे सकता हूँ बीस साल लोग मेहनत करते हैं सर

आज मर्सिडीज़ इनकी आंगन में खड़ी है और पिछले चार पाँच महीने से चला रहे हैं